टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा मंत्र में राधा चौधरी आपका स्वागत करती हूँ आपके चैनल शिक्षा मंत्र में। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए फ्रेंड्स, आज का हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का जो मेरा विषय है वो है आपके शिक्षण विधियों से रिलेटेड। शिक्षण विधियां जिससे हमारे लिए सीटेट में स्पेशली क्वेश्चन आते हैं, 3-4 नंबर के आपके क्वेश्चन इसमें आते हैं, जिसमें से हम आज 3-4 शिक्षण विधियों के बारे में स्पेशली बात करेंगे, जिससे आपको सीटेट के फर्स्ट और सेकंड लेवल दोनों लेवल में देखने को मिलता है। जिसमें से हमारा पहला जो विधि है वो है किंडरगार्टन विधि। तो इसके बारे में जान लेते हैं। जैसे हम जानते हैं कि किंडरगार्टन विधि जो है वो है आपके मिस्टर फ्रोवेल ने दिया है, जो कि एक जर्मनी के थे मनोवैज्ञानिक। उन्होंने इसके बारे में बताया कि कैसे बच्चा खेल के माध्यम से पढ़ता है, कैसे बच्चे को आप खेल विधि से समझा सकते हैं। उनका कहना था कि जो बच्चे का जो विद्यालय है, विद्यालय का जो परिवेश है वह एक बगीचा है, और उसमें बच्चे जो है वो फूल की तरह कैसे ग्रो करते हैं, कैसे उनका विकास होता है। तो इसके बारे में हम जान लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो है शिक्षण विधि। तकनीक भी बोल सकते हैं, जिसमें हमारा पहला आता है किंडर जाता है वो है मिस्टर फ्रोवेल। यह जर्मनी के थे। इनका जो कहना था यह कह रहा था कि जो विद्यालय में बच्चा जाता है तो विद्यालय जो है वो बच्चे के लिए क्या है, एक बगीचा है, और बच्चे जो है उस बगीचे के फूल हैं। तो बगीचा क्या है, विद्यालय, और उसके फूल हैं बच्चे। तो बच्चे का कैसे विकास हो, बच्चे को कैसे जोड़े, तो इसका उनका कहना था बच्चे को खेल पद्धति से, खेल के मेथड से, खेल विधि से, या फिर अपने प्रकृति के बारे में जानकारी देके प्रकृति से कैसे जोड़े और उनको खेल खेल में कैसे पढ़ाए, इसके बारे में मिस्टर किंडरगार्टन साहब ने बात किया है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट विधि है, तो आपको जब भी खेल विधि आएगा तो खेल से आप याद कर सकते हैं फ्रोबेल। फ्रोबेल मतलब खेल। तो इससे आप याद कर सकते हैं कि कैसे खेल विधि या किंडरगार्टन विधि बच्चों के खेलने की विधि से जो रिलेटेड है, कैसे बच्चों को खेल के साथ पढ़ाया जाए, इसके बारे में जो बात किया है वो मिस्टर किंडरगार्टन ने बात किया। नेक्स्ट विधि जो है हमारा वो है आपका प्रोजेक्ट विधि, जिसे हम परियोजना विधि भी कहते हैं। सेकेंड है हमारा प्रोजेक्ट या परियोजना विधि। इनके जो मनोवैज्ञानिक है या जो जन्मदाता है वो है पैट्रिक।
मिस्टर किम पैट्रिक है, वो बोलते हैं कि बच्चे को जो पढ़ाया जाता है या बच्चे को जो सिखाया जा सकता है वह कैसे वाद विवाद के जरिए, संवाद के जरिए सिखाया जा सकता है। इसमें जो एक्टिव होंगे वह शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों होंगे, मतलब विद्यालय में टीचर्स और स्टूडेंट होंगे। तो बच्चे को जो सिखाया जाना है विद्यालय में वह वाद विवाद या संवाद विधि से, संवाद से सिखाया जाता है। इसमें टीचर्स और विद्यालय में शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों एक्टिव होंगे, सक्रिय रहेंगे। तो ये है हमारा प्रोजेक्ट विधि। इसमें इसका क्या है कि इसमें आप ये बोल सकते हैं कि एक तो जैसे मैंने बोला वाद विवाद करके, सेकंड है हमारा, सेकंड में से टीचर्स बच्चे को कोई प्रोजेक्ट देंगे जो कि बच्चे के एजुकेशन से, जो कि उसके शिक्षा से रिलेटेड है, कोई टॉपिक दिया, कोई प्रोजेक्ट दिया और उसमें विद्यार्थी जो है वो सक्रिय भाग लेके उस प्रोजेक्ट को पूरा करेंगे। तो सेकंड जो है कोई परियोजना या प्रोजेक्ट देकर, प्रोजेक्ट बच्चे को या प्रैक्टिकल देकर बच्चे को बोलेंगे स्वयं करने के लिए, करने के लिए। और फिर उसमें बच्चे का लास्ट में क्या करेंगे, बच्चे का इवेल्युएशन करेंगे कि बच्चा ने सही से किया या नहीं, वो सही से कर रहा है या नहीं। तो लास्ट में उस प्रोजेक्ट का मूल्यांकन करना, मूल्यांकन करना। उसके बाद जो हमारा थर्ड है वो है हमारा थर्ड डाल्टन विधि। तो थर्ड है हमारा डाल्टन विधि। इसमें जो है यह विधि जो है, जैसे हमारा डाल्टन विधि, यह सन 1920 में, सन 1920 में कुमारी हेलेन पार्क हर्ष द्वारा दिया गया। यह एक अमेरिका के डाल्टन शहर में, यह जो विधि की गई वो अमेरिका के प्रयोग जो किया गया अमेरिका के डाल्टन शहर में अमेरिका के डाल्टन शहर में 30 बच्चों के ग्रुप पर 30 बच्चों पर प्रयोग किया गया। ये 30 बच्चे जो थे सो अलग अलग ग्रुप एज के थे, अलग अलग आयु के थे। तो ये डाल्टन शहर में अमेरिका के क्या
किया गया यह, इसीलिए इस विधि का नाम जो पड़ा वो डाल्टन विधि पड़ा। अब इसकी विशेषताएं क्या था, ये क्यों किया गया उसके बारे में जान लेते हैं। इसकी जो विशेषताएं थी वो थी कि अलग अलग बच्चों पे, अलग अलग आयु के बच्चों पे यह विधि करने का एक मेन मकसद था वह यह जांचना था कि बच्चे कैसे सीखते हैं। इसकी जो विशेषताएं थी इसका जो शिक्षा था, शिक्षा का जो स्वरूप था वो था कि व्यक्तिगत भिन्नता, जैसे मैंने आपको बताया अलग अलग एज के बच्चे थे, अलग अलग इसमें विभिन्नताएं थी, तो शिक्षा का जो स्वरूप था वो व्यक्तिगत विभिन्नता के रूप में आधारित था, व्यक्तिगत विभिन्नता पर आधारित था। उसके बाद जोर दिया गया कि बच्चा स्वयं करके सीखेगा, अपने अनुभव से सीखेगा, स्वयं करके सीखना एवं अनुभव से सीखना। शिक्षक और विद्यार्थी दोनों के संबंध को शिक्षक एवं बच्चों के शिक्षक एवं शिक्षक एवं बच्चों के बीच गहरा संबंध स्थापित करना, उसके बाद जो हमारा फोर्थ पॉइंट था वह बच्चों में उत्तरदायित्व की भावना का विकास करना, उत्तरदायित्व एवं आत्मनिर्भर की भावना का विकास करना। जो हमारा नेक्स्ट है वो है पेस्ट्रोलॉजी विधि। तो जैसे मैंने आपको बताया कि पेस्ट्रोलॉजी विधि जो है जॉन हेनरी पेस्ट्रोलॉजी ने दिया, और इन्होंने जो बात की वह शिक्षा को मनोवैज्ञानिक के रूप में इन्होंने प्रतिपादित किया। इन्होंने शिक्षा शास्त्र पे ज्यादा जोर दिया और कहा कि शिक्षक को पता होना चाहिए कि वो बच्चे को कैसे हैंडल करेंगे, जिस
सब्जेक्ट में वो पढ़ा रहे हैं उसमें तो उनकी मास्टरी होनी ही चाहिए, लेकिन बच्चों को किस विधि से पढ़ाना है, कैसे हैंडल करना है, कैसे उनको, कोई बच्चा नहीं पढ़ रहा है तो उसको पढ़ाई में कैसे इंटरेस्ट लाना है, इस सब के बारे में टीचर्स को नॉलेज होना चाहिए। तो शिक्षा शास्त्र पे, पेडागोजी पे इन्होंने ज्यादा बल दिया। तो ये चार टॉपिक थे, चार हमारे वो शिक्षण विधियां थी, जैसे जिसमें हमारा फर्स्ट था आपका किंडरगार्टन, फिर उसके बाद प्रोजेक्ट विधि, फिर उसके बाद आपका आ गया थर्ड जो आपका आ गया था डाल्टन विधि, और फोर्थ में आपका आ गया पेस्ट्रोलॉजी विधि। उसके अलावा भी है हमारा अन्वेषण विधि, आगमन निगमन विधि, इन सबसे भी एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं, पर इस चार से ज्यादा आते हैं। तो इसको आप अच्छे से कर लीजिएगा और इस टॉपिक को, इस सारे टॉपिक को आप अच्छे से कवर कीजिएगा, क्योंकि इससे आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस देखने को सी टेट के, स्पेशली सी टेट में आपको फर्स्ट और सेकंड लेवल में जरूर देखने को मिलेगा। तो मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में आप मुझे जरूर कमेंट कीजिएगा। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो उसको लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, और जो पुराने हैं वो उसको ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।